गाइस, वेलकम टू टीवी का तड़का, जिसमें हम आपको बताते हैं रोजाना टीवी और स्टार से जुड़ी सात छोटी बड़ी खबरों के बारे में। तो आज यानी कि 6 अप्रैल को क्या कुछ है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खास, बताते हैं जल्दी से आपको। टीवी का तड़का, पहली टॉप न्यूज, तारक मेहता का एक्टर सट्टे में हारा 30 लाख रुपए। जी हाँ, फेमस टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बतौर एक्टर नजर आ चुके एक शख्स को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एक्टर चेन स्नैचिंग के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा है। इस अभिनेता का नाम मिराज बताया जा रहा है। दरअसल क्रिकेट बैटिंग की बुरी लत के कारण ये एक्टर लाखों के कर्ज में डूब गया है और फिर कर्ज चुकाने के लिए अपराध की दुनिया में उतर गया। टीवी कतर का दूसरी टॉप न्यूज, रुबीना दिलेक और पारस छाबड़ा के गलत गाने का मचा धमाल। जी, रुबीना दिलेक और पारस छाबड़ा का नया गाना गलत रिलीज हो चुका है, जिसमें फैंस को अपनी चहेती रुबीना का एक नया और अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। गाने को असीस कौर ने गाया है और इसमें प्यार और धोखे की कहानी को दिखाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह प्यार में डूबे एक कपल का रिश्ता धोखे और फरेब की वजह से सूली पर चढ़ जाता है। रुबीना के इस नए सॉन्ग को फैंस से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और देखते ही देखते इसके व्यूज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। टीवी का तड़का तीसरी टॉप न्यूज, सुरभि के साथ काम करने पर बोले शरद मल्होत्रा। जी, हाल ही में सुरभि और शरद का वीडियो सॉन्ग बेपना प्यार रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया। वहीं एक बार फिर से शरद सुरभि की केमिस्ट्री भी काफी कमाल कर गई। वहीं अब टेलीचक्कर से खास बातचीत में शरद ने ना सिर्फ सुरभि के साथ अपनी केमिस्ट्री पर काफी कुछ कहा, बल्कि ये भी बताया कि आने वाले दिनों में शायद दोनों फिर से एक साथ किसी नए प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे सकते हैं। शरद ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करने में बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम बोल देते हैं। अगर हम किसी चीज को पसंद करते हैं तो हम उसकी सराहना करते हैं। हम एक दूसरे को कलाकार के रूप में प्यार और प्रशंसा करते हैं। वो अपने क्राफ्ट के प्रति ईमानदार और इमोशनल है। हम सभी प्यार से जुड़े हैं और भविष्य में फिर से साथ काम कर सकते हैं। सौभाग्य से मैंने हमेशा अपने अधिकतर को स्टार्स के साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है। यही वजह है कि भगवान की कृपा से मेरे शो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना पड़ा। टीवी का तड़का चौथी टॉप न्यूज, रवि दुबे ने निया शर्मा के साथ किया डांस तो फैंस ने ऐसे लिए मजे। निया शर्मा ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो रवि दुबे के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। निया और रवि के डांस पर फैंस ने काफी कमेंट भी किए हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, सरगुन को बताऊंगा, रुको अब। निया और रवि का ये नया वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ काफी मजे भी ले रहे हैं। टीवी कतर का पांचवी टॉप न्यूज, क्या राहुल दिशा ने कर ली है गुपचुप शादी। जी, राहुल और दिशा की शादी की कुछ तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों कलर कोऑर्डिनेट आउटफिट्स में दिखे। दिशा जहां पिंक कलर के लहंगे में खूबसूरत दिखी, तो वही राहुल क्रीम कलर की शेरवानी पर पिंक पगड़ी पहने हुए नजर आए। दिशा का लुक काफी एलिगेंट था, उन्होंने हैवी ज्वेलरी और न्यूड मेकअप कैरी किया हुआ था। दरअसल राहुल अपने नए म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए चंडीगढ़ गए थे। अब म्यूजिक वीडियो के बिहाइंड द सीन्स काफी वायरल हो रहे हैं। फोटो और वीडियोस काफी चर्चा में भी हैं, जिसमें राहुल और दिशा दूल्हा दुल्हन के गेटअप में नजर आ रहे हैं और ये फोटोज इसी वीडियो से जुड़ी हुई है। टीवी का तड़का छठी टॉप न्यूज, शक्ति की इस एक्ट्रेस ने छोड़ दिया शो। जी, शक्ति शो में सिमरन सिंह का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रचना मिस्त्री ने इस शो को छोड़ दिया है। दरअसल रचना जल्द ही कलर्स टीवी के शो बैरिस्टर बाबू में मनोरमा का किरदार निभाती नजर आने वाली हैं। वहीं खबरें हैं कि रचना के किरदार को एक्ट्रेस विशा वीरा ने रिप्लेस किया है। आपको बता दें कि विशा अब तक तेनाली रामा, साडा हक और जाने क्या होगा रामा रे जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। टीवी का तड़का सातवीं और आखिरी टॉप न्यूज, दिव्यांका के बाद ये एक्ट्रेस बनेंगी क्राइम पेट्रोल की नई होस्ट। जी, दिव्यांका त्रिपाठी के शो को छोड़ने के बाद अब खबरें सामने आई हैं कि क्राइम पेट्रोल को एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी होस्ट करती नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि सोनाली वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो टीवी पर भी कई रियलिटी शोज में काम कर चुकी हैं, जिसमें फेयर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी सीजन 1 और झलक दिखला जा 2 शामिल है। वल तो ये थी आज की 7 खबरें। टीवी और स्टार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए क्रेजी फोर टीवी के साथ।